हेलो टू माय एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, वेलकम टू योर रीडिंग। हम इस पे चेक करेंगे आपकी लव लाइफ 20th फेब से 28th फेब्रुवरी, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होंगी, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई एक्वेरियस। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, क्या रहेगी उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स 20th to 28th फेब्रुवरी, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कुंभ राशि वाले मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Nine of Pentacles, Seven of Cups, Ace of Swords, Page of Pentacles and Eight of Pentacles। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताए डिवाइन, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या होगी डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताए डिवाइन। One more time, please. Seven of Wands, the Moon, Four of Cups, Five of Cups, Three of Wands। Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है क्लियरिटी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। मे बी पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है जिसकी क्लियरिटी आपको चाहिए, लेकिन ये इंसान जो है वो क्लियरिटी देना नहीं चाहते हैं, जवाब देना नहीं चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज ये इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि क्लियरिटी नहीं दें, जवाब नहीं देना पड़े अगर, तो फिर ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक सॉलिड बिगनिंग ये ज़रूर चाहते हैं, इनको लग रहा है कि इनके हाथ से छूट रहा है सब कुछ, इनके हाथ से ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म होते देख रहे हैं चीज़ों को, आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म होती देख रहे हैं ये, और इनको एक ऐसा हो रहा है कि आप सेल्फ लव में हो बहुत ज़्यादा, अपने आप से प्यार करना, अपने ऊपर टाइम देना, अपने फाइनेंस को ग्रो करना, आप अपनी चीज़ों पर फोकस पास्ट के कुछ टाइम से किए हो, जिससे कि ये इंसान देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, और ये इंसान भी आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी की इनकी एनर्जी ऐसी है, प्रेजेंट की एनर्जी मैं देख रही हूँ, जो वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को वो इन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व है ये इंसान अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को ये इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ऑप्शंस ये ज़रूर ट्राई करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आप दोनों के बीच, ये क्या ऐसा करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है।
तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे। और बहुत सारे इल्यूशन में भी इंसान मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे कहानियाँ, यू नो, ऐसा ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये जाएंगे तो क्या होगा, आप ऐसा रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बात करने से क्या होगा, नहीं बात करने से क्या होगा, तो कुछ स्टोरी क्रिएट करते दिख रहे हैं मुझे खुद से, ठीक है, अपने आप से बहुत सारे ऐसे यू नो ख्याली पुलाव या फिर क्या बोलते हैं इसको, बिना मतलब कि कुछ कुछ अपने अपने स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, क्लियरिटी ये नहीं देना चाहते हैं, यही है दिक्कत। अगर ये आए और आप इनसे कुछ नहीं पूछें, अगर कुछ इनसे सवाल ना करें आप, तो ये ज़रूर चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक सॉलिड बिगनिंग, और ये लॉयल रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। पास्ट में इनकी एनर्जी कैसी भी थी, लेकिन इस टाइम आपके साथ ये लॉयल रहना चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब ये वो सब कुछ करें जिससे कि ये रिश्ता बेहतर हो सके। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने फाइनेंस को ग्रो करने में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस पूरे अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने आप पे हैं, तो वो भी जो है आपको कॉम्पिटिशन देते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक आपके साथ ही आप ग्रो करना चाहते हैं, ये इंसान जैसे आप ग्रो कर रहे हो वैसे ये भी ग्रो करना चाहते हैं, और अपने फाइनेंस, अपने करियर पे पूरा फोकस इनकी तरफ इनका है, अपने फाइनेंस को कैसे ग्रो करें इस पे ध्यान है। और यू नो मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पर्सन की जो थॉट है वो ये है कि वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें खराब हो गई है उनको ये इंसान ठीक करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। लो जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो कॉन्टैक्ट में है उनको का मुझे दिख रहा है कि बातचीत कम करेंगे मे भी, लेकिन फीलिंग्स इनकी आपके लिए रहेगी, काम ये ज़रूर करना चाहेंगे आपके साथ, कुछ कुछ ऐसे यू नो आपको कुछ मैसेज भेज देना या फिर यू नो कुछ ऐसे रोमांटिक मैसेज भेजना कि आप खुश हो जाओ, तो छोटी छोटी चीज़ें ये ज़रूर करेंगे आपको खुश करने के लिए, लेकिन बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। ओके, अपने काम पे भी बहुत बिजी दिख रहे हैं मुझे, अपने करियर पे फोकस करते मुझे दिख रहे हैं, तो जैसे ही इनको टाइम मिलेगा ये यू नो एकदम तुरंत से होता ना कि एकदम इम्पेशेंटली आपको मैसेज करना या फिर कनेक्टेड आपसे ज़रूर रहेंगे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो मैरिड कपल देख रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जैसे मैंने कहा कि कम बात करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये यू नो तुरंत से कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे आपके साथ जैसे कि आपको खुशी मिले, तो एक कनेक्टिविटी ज़रूर बना के रखना चाहेंगे, भले ही उतना टाइम नहीं देंगे, उतनी लंबी कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे आपसे, उतना बातचीत नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी यू नो चीज़ें ऐसे करेंगे कि आपको खुश कर सके इंसान, ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, आपकी एनर्जी मुझे डिफेंसिव दिख रही है, आप डिफेंसिव हो रहे हो ऐसा दिख रहा है, इनसिक्योर है आप, बहुत इनसिक्योर हो आप ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ छुपा रहे हो आप, या तो अपना पेन छुपा रहे हो या तो अपना प्यार छुपा रहे हो आप, कुछ छुपाते हुए कुछ हाइड करते मुझे दिख रहे हो, इनसिक्योर दिख रहे हो मुझे, डिफेंसिव दिख रहे हो मुझे। इस इंसान को अपने पास आने देने से मतलब सबोटैच कर रहे हो आप इनको, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान जो आए और आपको कोई ऑफर करे या आपसे बात करें या आपके पास रहें, आपके पास आए, आप नहीं चाहते हो, आपको इनसे कोई ऑफर नहीं चाहिए ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मे बी पास्ट के टाइम में आपने बहुत एफर्ट लगा लिए हैं इस रिश्ते में और अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब नहीं एफर्ट लगा सकते हो आप इस रिश्ते में, और क्योंकि ये जब इंसान आएंगे तो आप बहुत इजीली इनसे कन्विंस हो जाओगे और आप नहीं चाहते कि आप कन्विंस हो, क्योंकि आप थक चुके हो मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत टायर्ड हो गए हो इनकी सेम पास के कुछ ऐसी हरकतें हैं जो कि रेपिटेशन में चल रही हैं और आप इन चीज़ों से बहुत टायर्ड हो गए हो ऐसा दिख रहा है मुझे। और यू नो आप बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे कि ये इंसान आए और कुछ ऑफर दे, आपको मनाए, आपसे कुछ बात करे, बट ये आपको क्लियरिटी देने से डर रहे हैं, आपसे ये बात जरूर करना चाहते हैं लेकिन आपको क्लियरिटी देने से डर रहे हैं, ये डर रहे हैं आपका सामना करने से, ठीक है। और आप जो हैं टायर्ड हो गए हो ऐसा दिख रहा है मुझे, और यू नो फिर भी मुझे वेटिंग पोजीशन में ही आप दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है आप इनकी तरफ देख के ही खड़े हो, लेकिन मतलब कैसे बताऊँ, इनसे क्या है, दो चॉइसेस आपके पास, ठीक है, दो चॉइस, दो मन है आपका। ये आप चाहते हो कि इंसान आए और आपको यू नो सब कुछ ठीक कर दे, इंसान पहले जैसा जैसे सब कुछ था पहले वैसा कुछ कर दे ऐसा चाह रहे हो, और एट द सेम टाइम आप ये भी चाह रहे हो कि वो ना आए, आपको कोई ऑफर ना करें, वो आपके पास भी नहीं आए, आपको समझाए भी नहीं, आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप मुझे कहीं ट्रैवल करने का प्लान भी कर रहे हो ऐसा भी दिख रहा है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, इनसे दूर जाना चाहते हो ऐसा भी दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं भी करोगे ऐसा भी दिख रहा है, तो आप दो माइंडसेट में हो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंजल्स गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड एंजल्स फॉर माई
एक्वेरियस, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, उनके लव लाइफ में क्या करना चाहिए उन्हें। One more time, please. Light awakening activation. Light activation. Shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Okay. मुझे कहीं ना कहीं spiritual awakening भी दिख रही है आपकी, और एक अपने आप में रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ऐसी की एनर्जी आपकी हो सकती है। लाइट एक्टिवेशन चल रहा है आपका, ठीक है, आपके यूनिवर्सल हीलिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रही है आपकी, इसलिए बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं। कभी बहुत गुस्सा आता होगा आपको, कभी आप एकदम शांत हो जाते होगे, कभी अचानक से हंसना, कभी अचानक से रोना, ऐसी एक एनर्जी आपकी होगी। तो ये लाइट एक्टिवेशन आपकी चल रही है, अंदर की जो आपकी लाइट है ना उसको लाइटन अप कर रहे हैं यूनिवर्स। ये गाइडेंस आपको मिल रही है, उस पर आपको फोकस करना है। गाइडेंस आपको ज़रूर मिल रही होगी, उस गाइडेंस पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, ये आपको एंजल गाइड कर रहे हैं। ओके, सो एक्वेरियस, ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ एंड करियर। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एक्वेरियस, प्लीज गाइड डिवाइन। ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, मेरे कुंभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में, करियर में क्या एक्सपेक्टेड है इस 20th February टू 28th February। Please guide divine. Please guide divine for my Aquarius, career and overall life. One more time, please. The lovers, kya baat hai? तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत लोगों का। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, क्या बात। द एम्प्रेस जो कि ऑब्स्टिकल में है, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाव सक्सेस, आपकी एनर्जी जो है मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हो आप, ठीक है। आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, आपके अंदर जो ग्रेस है, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो कि आप बीच में फील कर रहे थे, लेकिन अभी आप डल हो गए हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आप उस शाइन को, उस ग्रेस को आप फील कर रहे हो, जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको फेस कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप उसको, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बट अभी की एनर्जी आपकी जो है वो डल है, ठीक है, आप फिर से आप ज़ीरो पे आ गए हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्पिरिचुअली आपने बहुत ग्रो किया होगा, पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसे रही होगी, लेकिन अभी फिर से आप डल हो रहे हो, अभी प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ऐसी है, ठीक है। जो इंसान आपके लाइफ में है उससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के, ठीक है, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हो एक दूसरे के। तो कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके लाइफ में हैं, उसको आपको रिलीज करना होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक दूसरे के लिए ही बने हो आप लोग, लेकिन आप जो है अभी उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने उनसे मूव ऑन करने की कोशिश की है और आप नहीं कर पाए हो मूव ऑन, इसलिए क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। इतनी आसानी से आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी मुझे शिफ्ट होती दिख रही है, और आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ या तो आप या आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसा आपका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर आप बाय नेचर ही वैसे हैं कि आपके पास कोई आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, या फिर आपसे कुछ बात करता हो, अपनी तकलीफें आपसे बोलते हो लोग, और आप जो हैं उनको गाइड करते हो, ऐसे ही बचपन से ही आपका ऐसा होगा कि लोग आपसे बात करके उनको बहुत रिलीफ मिलता है, इस टाइप के, ठीक है।
मुझे आप में विजडम बढ़ता दिख रहा है, आप में विजडम, आप में नॉलेज बहुत गेन होता दिख रहा है, आप लोगों को गाइड करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आने वाला टाइम में आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मुझे ये दिख रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे 20 to 28 जो फरवरी का टाइम है, उस टाइम आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, अपने लर्निंग पे, अपने यू नो विजडम पे बहुत काम करते मुझे दिख रहे हो और कहीं ना कहीं ग्रो करते दिख रहे हो आप स्पिरिचुअली, ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप चाहते हो कि यू नो आप न्यू बिगनिंग करो अपनी लाइफ की और यू नो एक स्टेबल लाइफ आप चाहते हो, एक शांति, एक सुकून आप ज़रूर चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक न्यू बिगनिंग होती भी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। तो मे बी अगर आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ कॉन्टैक्ट या फिर कुछ, तो वो ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है। या फिर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, कहीं रिलोकेट करने का आप सोच रहे हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि आप रिलोकेट करोगे वहाँ पे। कोई जॉब चेंज करने का अगर आप सोच रहे हो तो भी मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रही है, कोई घर शिफ्ट करना, सिटी चेंज करना, या फिर यू नो कंट्री कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपकी हाइएस्ट गुड के लिए होगा, ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी वो सक्सेस की है, ठीक है, सक्सेस की है, विक्ट्री की है, नेम फेम पॉपुलैरिटी की है, बहुत सारे आपके फ़ैन फॉलोवर्स हो सकते हैं, या फिर यू नो बहुत सारे आपके सपोर्टर्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग आपके साथ बहुत खड़े हैं, यू नो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओवरऑल जो है एनर्जी है आपकी ऐसी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी जो है आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे फीलिंग्स में हैं कि यू नो अपने पार्टनर को फील करते, अपने छोटी छोटी चीज़ें उनके याद करते, एक ऐसे फेज में मुझे ज़रूर दिख रहे हो आप, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो मुझे ये भी दिख रहा है। अभी की आपकी एनर्जी थोड़ी डल है, थोड़ी सी यू नो उदास, थोड़ी सी नेगेटिव दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी। अपनी एनर्जीज पे काम करें, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें ताकि आपकी एनर्जी जो है वाइब्रेशन जो आपकी हाई हो पाए, ओके। सो एंजल्स की गाइडेंस हम देखेंगे मेरे एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों को क्या गाइडेंस है जवाइन, प्लीज़ गाइड फॉर माय एक्वेरियस। ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, वन मोर टाइम प्लीज। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मैंने बोला ना कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में, मतलब पास्ट में जब अपने आप को घूम के आप देखते होंगे तो आपको विश्वास नहीं होता होगा कि आप यू नो ऐसे इतने चेंज हो गए आप, और आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है जो मुझे दिख रहा है कि आप सीख रहे हो, ठीक है, आप सीखोगे आगे भी बहुत कुछ, लर्निंग ऐसी जो कि आपके फर्दर प्रोग्रेस के लिए, आपके लाइफ के आगे के प्रोग्रेस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है सीखना, जो कि आप सीखते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो जो भी सीखने के प्रोसेस में जो आप हो, अपने विजडम को गेन करना जो चाहते हो आप, वो ज़रूर करें ताकि आपके जो लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो और आप आगे प्रोग्रेस कर पाए अपने लाइफ में, ठीक है, चाहे अपने लव लाइफ में हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से, अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।